दोस्तों, जब भी हस्बैंड थका हारा काम करके घर आता है, लेकिन वाइफ उसको घर में एंटर नहीं करने देती है, वो घर का दरवाज़ा ही नहीं खोलती है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या ये क्रुएल्टी है या नहीं है? आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट शेयर करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें कि ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये मैं आपको बताऊंगा विद साइटेशन। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप अपनी लीगल समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। देखिए, जो मैं आपके साथ जजमेंट आज शेयर करूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो आपको ध्यान देने हैं। कुछ पॉइंट्स हस्बैंड के लिए हैं जो उन्होंने उसमें गलती करी है या उसमें उन्होंने लैप्सेस किए हैं, कुछ महिलाओं के लिए हैं। तो ये जो जो भी पॉइंट्स निकल के आएंगे, वो आपने अपने हिसाब से देखने हैं, आपने समझने हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिंपल टर्म्स में हर एक चीज़ समझाऊं। सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ जो हैं, उनकी मैरिज हुई थी मई 2005 में। उसके बाद ही छोटे मोटे उनके डिफरेंसेस शुरू हो गए। उसके बाद नवंबर 2007 में उनके घर एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उनके डिसएग्रीमेंट्स या उनका टेम्परामेंट नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लग गए। और ये अलग अलग रहने का जो समय शुरू हुआ उनका, वो नवंबर 2009 के बाद शुरू हुआ, यानी कि नवंबर 2009 तक वो साथ रहे। नवंबर 2009 से लेकर के आगे जितना भी टाइम था, वो एक दूसरे से अलग रहने लग गए। इसके बाद हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में हिसार में क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पर और डिजेशन के ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस डाला अगेंस्ट द वाइफ, और वहाँ पर फैमिली कोर्ट में उसका हस्बैंड का जो डाइवोर्स का केस उसने डाला था, वो उसका डिसमिस हो गया, जिस वजह से उसने अपील डाली। और अपील में सब चीज़ें जो उसने अपने फैमिली कोर्ट में अपने एलिगेशंस लगाए थे वाइफ के अगेंस्ट, वही सारे एलिगेशंस उन्होंने कहे कि क्योंकि वाइफ उसको ह्यूमिलेट करती थी, जब भी वो घर आता था तो वो घर का दरवाज़ा नहीं खोलती थी और देर रात तक नहीं खोलती थी, जिस वजह से उसको बाहर ही वेट करना पड़ता था और कई बारी बाहर ही उसको सोना पड़ता था, जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग में जाके फिर वो दरवाज़ा खोलती थी। साथ ही उसने ये भी कहा हस्बैंड ने कि वाइफ उसको मिसट्रीट करती थी, ह्यूमिलेट करती थी इन फ्रंट ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स या को वर्कर्स ऑल्सो, यानी कि जहाँ पे वो काम करता था या उनके फ्रेंड्स वगैरह जब आते थे तो उनके सामने भी वाइफ हस्बैंड को ह्यूमिलेट करती थी, और तरह तरह के चार्जेस लगाती थी, फॉल्स चार्जेस लगाती थी कि वो वुमेनाइजर है, एल्कोहलिक है, और उसके जो है उसकी जो वाइफ की सिस्टर है उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं। इस तरह उसने हस्बैंड को एक तरह से मेंटल टॉर्चर किया, क्रुएल्टी करी हस्बैंड के ऊपर। ऐसे एलिगेशंस हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर डाइवोर्स केस में लगाए थे। हस्बैंड ने साथ में ये भी कहा कि वाइफ ने जो डिफेंस ली थी कि वो ड्रंकर्ड है और अब्यूज़ करता है, उसको डाउरी के लिए भी करता है अब्यूज़, एक तरफ तो वाइफ ये डिफेंस ले रही है, साथ ही उसने वाइफ ने सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी किया हुआ है, जिससे पता लगता है कि वो दो स्टैंड वो भी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी साथ लेके चल रही है। सो शी कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। तो एक तरह से वाइफ का स्टैंड एक तरफ बिल्कुल डिफरेंट है कि हाँ भी हस्बैंड ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो हस्बैंड के साथ भी रहना चाहती है, ये भी हस्बैंड ने अपने क्लेम में कहा। डाइवोर्स केस में हस्बैंड की एक और भी प्ली थी कि क्योंकि वो 12 साल से अलग रह रहे थे, इस वजह से उनका कोई भी रीयूनियन का कोई होप नहीं है, कभी वापस आने का कोई होप नहीं है, इस वजह से भी डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। लेकिन इसका जो डिफेंस था, जो वाइफ के काउंसिल ने लिया था, वो ये था कि वाइफ को फोर्स किया गया मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने के लिए 2009 में, जिसके बाद कि हस्बैंड ने उसकी कहीं भी कोई पूछ नहीं कही, जो उनका बेटा था वो भी वाइफ के साथ रह रहा था, और उसके बारे में भी, उसको कस्टडी लेने के बारे में भी हस्बैंड ने कोई केस नहीं डाला, और जितने भी एलिगेशन हस्बैंड ने लगाए हैं
वो पता लगते हैं इससे कि सिर्फ उसको अपने वाइफ से छुटकारा पाने के लिए उसने लगाए हैं, फॉल्स एक्यूजेशन करी है। ये वाइफ का स्टैंड था और हस्बैंड का स्टैंड भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इस केस में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। ये उन्होंने अपनी पहले टिप्पणियाँ दी कि जैसे कि हस्बैंड कह रहा है कि उसको बाहर सोना पड़ा या उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो इस तरह के जितने भी कंसर्न्स हैं वो बहुत ही ट्रिवियल हैं और वो क्रुएल्टी के अंदर नहीं आते हैं, ये ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा। बाकी जो भी एलिगेशंस थे उनके बारे में भी कहा कि ये एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैरिड लाइफ में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन इनको हम क्रुएल्टी नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ही छोटे और ट्रिवियल मैटर्स हैं जिनको क्रुएल्टी का नाम नहीं दे सकते हैं। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो बहुत ही जनरल थे और कहीं भी कोई स्पेसिफिक डेट मंथ कुछ भी नहीं दिया हुआ था जिससे कि उन इंसिडेंट्स को प्रूव किया जा सके या उनको ऑथेंटिकेट किया जा सके। तो इस तरह के जो जनरल एलिगेशंस हैं उनको हम क्रुएल्टी का रूप नहीं दे सकते हैं, और मियर स्टेटमेंट्स, सिर्फ अगर स्टेटमेंट्स हैं और वो सफिशिएंट नहीं है प्रूव करने के लिए क्रुएल्टी को, तो यानी कि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है कि यदि आप कोई भी एलिगेशंस लगा रहे हैं तो आपने उनको स्पेसिफिकली एलिगेशन लगाने हैं, आपने उनको विद अगर टाइम डेट मंथ वगैरह आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, तभी आपके एलिगेशंस जो हैं प्रॉपरली प्रूव होंगे जब भी दूसरे विटनेसेस आएंगे। साथ ही जो ट्रिवियल मैटर्स हैं आप उनको ज़्यादा हाईलाइट ना करके जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हीं को हाईलाइट कीजिए, और वो जो इंसिडेंट्स हैं वो इतने लंबे होने चाहिए या हम कहें कि इतने शॉर्ट नहीं होने चाहिए कि वो ट्रिवियल में आ जाएं। इट मीन्स कि वो जो इल कंडक्ट है या क्रुएल्टी अगर आप जिसको मान रहे हैं वो परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और एक फेयरली लेंथी टाइम के लिए होना चाहिए, तभी वो क्रुएल्टी के डेफिनेशन में फॉल करेगा। यदि वो सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट है या कुछ ऑफ इंसिडेंट्स हैं और वो परसिस्टेंट नहीं है तो वो क्रुएल्टी के ग्राउंड में नहीं आएगा, क्रुएल्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेंटल क्रुएल्टी तब मानी जाती है कि जब इल कंडक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए हो रहा हो और रिलेशनशिप इतना डिटोरेट हो जाए कि एक स्पाउस का दूसरे जो गलत कर रहा है स्पाउस उसके साथ रहना ही मुश्किल हो जाए, वो उसके साथ रह ही नहीं पाए, तब जाके मेंटल क्रुएल्टी वो उसके अंदर फॉल करती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने केसेस को देख रहे हैं या जब भी आप अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को देख रहे हैं। वन ऑफ इंसिडेंट या छोटा सा कोई इंसिडेंट हो गया, या मैरिड लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसको एक हो सकता है कि स्पाउस कहे कि वो क्रुएल्टी है, दूसरा उसको एक नॉर्मल वे में लेके चले, तो इन चीज़ों को कोर्ट भी इस तरह देखती है कि ये सब चीज़ें एक वीर एंड टीयर ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ हैं और वो क्रुएल्टी के ग्राउंड में नहीं आती है, क्रुएल्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है। ये जो मैं जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा था ये ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, दिसंबर 2021 की है और इसका टाइटल है नकुल सक्सेना वर्सेस शिवानी सक्सेना। तो ये जजमेंट थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप क्रुएल्टी मान रहे हैं वो क्रुएल्टी हो, और ये भी हो सकता है कि जिसको आप क्रुएल्टी नहीं मान रहे हो यदि आप उसके प्रॉपर डिटेल्स देते हैं, स्पेसिफिक आप डेट टाइम वगैरह सब कुछ देते हैं, मंथ देते हैं और अपने एलिगेशंस को प्रूव करते हैं, मियर स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, तब आपका क्रुएल्टी का ग्राउंड प्रूव होगा और आपको कहीं ना कहीं अपने केस में रिलीफ मिलेगा। तो ये था मेरा वीडियो, ये जजमेंट आपके साथ शेयर करनी थी। जजमेंट का लिंक मैंने दे दिया है जो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, काफ़ी अच्छे डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन ये हमको देखना होगा, इन डिसीजन से कुछ समझना होगा कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ क्या गलती होती है, किस पार्टी से क्या गलती होती है, जिसका कि हमारे को नुकसान भी हो सकता है और दूसरी पार्टी को फ़ायदा भी हो सकता है, या दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये था वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।